हम युवाओं की शारीरिक कमजोरी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हैं डॉक्टर वी डी शर्मा, हाँ सर, और डॉक्टर वी डी शर्मा को अपने करीब 72 साल की उम्र में करीब 50 साल का अनुभव है चिकित्सा सेवाओं में, और आपने आयुर्वेद के साथ में एलोपैथी में भी मतलब अध्ययन किया है। हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि आज हम आपके साथ में आपके जीवनों के अनुभवों का राज भी हमारे श्रोताओं को दे पाएंगे। बहुत अच्छा। और डॉक्टर साहब, मैं आज आपसे जो मुख्य रूप से चर्चा करने जा रहा हूँ, मैं अच्छा, अशोक खंडेलवाल चिकित्सा संस्था संपादक के रूप हाँ में, हाँ वो ये है कि आज हम देखते हैं एक जो दाम्पत्य जीवन है ना, वो दाम्पत्य जीवन सुखी दाम्पत्य जीवन में नहीं बदल पा रहा। कई बार क्या होता है कि आज हम जब विवाह की उम्र जो हमारी वास्तविक रूप से जो संस्कृति में या जो धर्म में या हाँ भारतीय सभ्यता में या समझ रहा आयुर्वेद हूँ। के अनुसार जो बताई गई है, हाँ उस विवाह की तिथि को टालने के दुष्परिणाम के रूप में हम देखते हैं कि जब हाँ 32-35 साल की उम्र में जब शादी होती है तो मानसिक तनाव एकदम बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है। और मानसिक तनाव बढ़ने के कारण कई बार फिजिकल फिटनेस जो है वो एक चुनौती बन जाती है, बिल्कुल बन जाती है। और इसमें कई घर जो है वो तबाह हो रहे हाँ हैं, बर्बाद हो जाते हैं। और आज के जो तलाक बन रहे हैं और विवाद बन रहे हैं उसमें फिजिकल फिटनेस एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आ रहा है। अब हमारा मुख्य प्रश्न है कि एक तो क्या देर से विवाह करना उचित है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात यह है कि आयुर्वेद में क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जहां पर फिजिकल फिटनेस के संबंध में जो रोग होते हैं उसका समाधान हो सके। तो बिल्कुल डॉक्टर सही साहब, है, आपका स्वागत है। बहुत बढ़िया। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया जनहित में। और आजकल जो ये स्थिति चली आ रही है युवा वर्ग में कि बचपन से जो उनके संस्कार रहते हैं, संस्कार में मेरा और औचित्य नहीं है। संस्कार का मतलब ये है कि जब उनकी उम्र धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो युवावस्था की तरफ वो प्रवेश करते हैं। तब जब युवावस्था की तरफ प्रवेश करते हैं तो मतलब उनमें मतलब जो स्थिति रहती है मतलब उसकी आगे चलने की, आगे बढ़ने की, और उनके मतलब विवाह की स्थिति के उसमें आगे आने की, तो उसमें क्या होता है कि जब वो विवाह की स्थिति में आते हैं तो कई उनके ऐसे कारण बन जाते हैं कि जैसे हस्त मैथुन करना। बचपन में हस्त मैथुन करने के बाद में कई का मतलब इस प्रकार की कमजोरी आ जाती है। हस्त मैथुन करने के बाद में जब हस्त मैथुन के बाद में कमजोरी आ जाती है तो जब उनका विवाह होता है तो उस समय उनकी जो यौन प्रक्रिया है उसमें कमी आती है। अब यौन प्रक्रिया में कमी आती है तो वो विवाह विच्छेद का प्रश्न यहाँ पे उठता है। तो विवाह विच्छेद से अब उनको ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए कि ताकत की दवाइयों में जो जिस प्रकार से उनका जैसे विवाह उनको वैद्य के पास में जा करके और उनको चिकित्सा के लिए उनको वहां जाना चाहिए। अब चिकित्सा में इसका जो एक शारीरिक कमजोरी के लिए मैं बहुत ही अच्छी आपको एक नुस्खे बता रहा हूं, जैसे चंद्र प्रभा बटी, आरोग्यवर्धिनी बटी, पेट साफ नहीं होता है तो इसके बाद में शतावरी, मूसली, अश्वगंधा, शिलाजीत और बालंगा और स्वर्ण भस्म, बंग भस्म, इस तरह से जो औषधियां ओजस बाटल वेद से जाकर के ये सो संपर्क करके ये औषधियां मतलब वो ले सकते हैं, जिससे कि उनकी जो शारीरिक यौन क्रिया है जिससे आज विवाह विच्छेद हो रहे हैं, जिससे आज विवाह, क्योंकि जब तक स्त्री और पुरुष का जब तक मतलब क्या है कि उसकी जो इच्छा है वो पूरी नहीं होती तब तक मतलब उनकी जो विवाह संबंधी प्रक्रिया है वो संपूर्ण नहीं मतलब होती। कहने का तात्पर्य हाँ यह है कि हाँ यदि शारीरिक संतुष्टि नहीं हो हाँ पाएगी हाँ तो संबंध जो है वो ज्यादा समय तक नहीं चल पाएंगे, कई कई इस तरह के और प्रक्रिया। उसका हाँ उसका परिणाम यह भी होगा कि हाँ विवाह के बाद में जो संतानोत्पत्ति मुख्य उद्देश्य रहता है वो हाँ मुख्य उद्देश्य से भी वो भी मोटा मुख्य होगा, उद्देश्य नहीं आएगा, और कई बांझपन कारण बांझपन की स्थिति भी आती है, की स्थिति। बांझपन की स्थिति अच्छा, आती इस है। संबंध में अपन थोड़ा सा और आगे चलेंगे।
हाँ जिसे आजकल आप महिलाओं में भी भाजपा की स्थिति उत्पन्न हो रही है। हाँ महिलाओं में भी वही प्रक्रिया जो पुरुषों के पास में है कि हाँ, वो फिर उसके बाद कारण यदि कोई वो गलत प्रक्रिया या गलत आदतों के शिकार हो जाती है हाँ, हाँ, तो उनका विवाह से जो है मन वो भंग हाँ, हो जाता है हाँ, और ऐसी स्थिति में वो भी मतलब शारीरिक संबंध स्थापित करना उचित नहीं समझती हाँ, तो क्या इस संदर्भ में भी कोई इलाज या औषधियां हैं? नहीं, औषधियां हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे परिवार में शादी हुई, बड़े हर्ष के साथ में शादी करके घर पे मतलब बच्चे को, अपने बच्चे को लाए और 2 साल रुकेगा, 3 साल रुकेगा, 4 साल रुकेगा और इसके बाद में अपनी बहू को, अगर जो बाहर से अपन बहू लड़की लाए हैं उसको अगर संतान नहीं होगी तो वहां का जो ससुराल पक्ष का जो परिवार है वो कहेगा कि ये तो बांझ है। अब बांझ है तो ऐसा नहीं है कि उसमें वो उसमें बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं है, उसके कई कारण है। उसके कारण ये भी हो सकते हैं कि यह तो मासिक धर्म का कमाना, मतलब जैसे मासिक धर्म का 5 दिन का नियमित रूप से हमारे आयुर्वेद में माना गया है कि रजस्वला 5 दिन तक निश्चित रूप से उसको मतलब मासिक धर्म आना चाहिए। और रक्त कैसा होना चाहिए, जैसे खरगोश का जो रक्त है उस प्रकार का रक्त होना चाहिए तभी वो मासिक धर्म ऐसा साफ आता है। अब क्या होता है कि उसकी इलाज चिकित्सा वगैरह तो होती नहीं है, अब चिकित्सा नहीं होती है, मासिक धर्म सही नहीं आता है, इस कारण से वो बांझ बन की स्थिति आती है, इधर नपुंसकता की भी स्थिति बनती है। तो इस प्रकार से ये है कि बांझ बन की स्थिति को सही करने के लिए या तो फिर सोनोग्राफी करवाएं ताकि सोनोग्राफी से उसकी सही चिकित्सा का मालूम पड़ जाए कि इसमें ओम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, डिम्ब बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और इसमें बच्चे में खराबी है या मतलब महिला में खराबी है, मतलब पुरुष में खराबी या महिला में खराबी है, इसका मतलब पूरी तरह से निदान होगा तभी अपन इसकी बांझपन की स्थिति को मतलब सही तरह से इसको अपन समाप्त कर सकते हैं। अब बांझपन को रोकने के लिए और बांझपन के लिए आयुर्वेद में इसके कई प्रकार की चिकित्सा है, जैसे कि अपन मतलब दश गुला ऋष भी दे सकते हैं, हेम पुष्पा भी दे सकते हैं, अशोका ऋष भी दे सकते हैं। जैसे किसी को मासिक धर्म अगर नहीं आ रहा है तो उसके लिए ल्यूनारेक्स फोर्ट करके एक मतलब कैप्सूल आता है उसका पनवेल का, तो एक एक कैप्सूल सुबह शाम वो भी दे सकते हैं। एम्टोटोन कैप्सूल भी, एम्टोटोन बाटल आती है, वो एक एक चम्मच सुबह शाम वो भी दे सकते हैं। इस तरह से बांझपन की स्थिति को खत्म करके अच्छा, हाँ, एक मुख्य बात इसमें हाँ, ये देखता है कि दो बातें मतलब प्रमुख रूप से इसके और कारण आते हैं हाँ, हाँ, एक तो नींद आना हाँ, है ना, और दूसरा है कब्जियत। नींद आना और कब्जियत का भी शारीरिक क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताएंगे? अब नींद आने के भी कई कारण है, जैसे ब्लड प्रेशर का कम होना, ब्लड प्रेशर जैसे ज्यादा बढ़ती है तो नींद तो फिर उसमें मतलब आती नहीं, किसी को घबराहट भी शुरू हो जाती है। तो अब नींद क्यों आती है और कब्जियत का प्रश्न आपने बताया, तो कब्जियत का तो वही जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि खान पान गलत होने के कारण, जैसे समोसा कचौरी और तेल की बनी हुई चीजें और जो आजकल जो सब केमिकल से बनी हुई चीजें अपन खा रहे हैं, यानी जहर खा रहे हैं, मतलब जो भी है वो उसको साफ करके अच्छा धो करके उसको उबाल करके, जैसे सब्जियां को अगर सेवन करते हैं अपन, फलों का सेवन करते हैं तो उसको पानी से अच्छा साफ करके और फिर उसका सेवन करें। सब्जियां भी अगर अपन उपयोग करते हैं तो उसको भी मतलब पानी से धो करके उबाल करके और उसका इसके बाद में अच्छी प्रकार से उसको साफ सफाई रख करके और अच्छे वाला तेल जो मतलब मूंगफली का तेल या जो भी रेपसीड तेल नहीं मतलब, तो इस प्रकार के तेल का उपयोग करके यदि अपन उसका उपयोग करते हैं तो कब्जियत की स्थिति अच्छा अच्छा जैसे अभी नींद आना, नींद आना अभी जो है वो कई बार मतलब, तो नींद के लिए सर्पगंधा वगैरह, हाँ सर्पगंधा टेबलेट ले सकते हैं, अर्जुना रिष्ट ले सकते हैं, इसके बाद में जेरी फोर्ट की टेबलेट करके एक आती है टेबलेट, जेरी फोर्ट भी ले सकते हैं। इसके अलावा और भी कई प्रकार की दवाइयां हैं, मतलब एलोपैथिक में भी है और आयुर्वेद में भी है, वो अपन ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, एक और ये जैसे कब्ज के बारे में भी बना कि हाँ, किसी को कब्ज है तो कब्ज के लिए अपन त्रिफला और क्या, हाँ त्रिफला चूर्ण मैंने पूर्व वीडियो में भी बताया था कि त्रिफला चूर्ण एक रसायन है, रात को सोते समय कुनकुने पानी के साथ त्रिफला का सेवन
यदि कोई व्यक्ति करता है तो वो कभी भी उसको कब्जियत नहीं होगी, धीरे 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 करके उसको दस्त साफ आने लगेंगे, और दस्त साफ आने के बाद में अगर पेट सफा तो सब रोग दफा, मतलब ये है कि शरीर में मल बिल्कुल भी नहीं होना। अच्छा चलिए, एक बात और ये था कि मतलब इस बात हम वार्ता को विराम देंगे। हाँ हम क्या देर से उम्र, देर से विवाह, यदि ये विवाह की उम्र 15-20-21 साल 18 साल, पहले तो 16 साल ही मानी जाती थी। हाँ हाँ पहले, अब वो जो है 32 से 35 साल जो, हाँ हाँ, उसका भी कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं, उसका बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्योंकि जो स्टेमिना रहता है दोनों का शरीर में, जो शारीरिक प्रक्रिया का जो स्टेमिना रहता है वो कम होता जाता है, मतलब तो कम होने से जो शारीरिक क्रिया है उसमें अंतर आता है, मतलब ये है। अच्छा, उसका मतलब ये है कि यदि हम सुखी और सफल दाम्पत्य जीवन चाहते हैं तो 21 वर्ष की उम्र, मतलब 21 वर्ष की उम्र और 23 वर्ष की उम्र में, मतलब युवक और युवती इस उम्र में यदि शादी करेंगे तो निश्चित रूप से उनका विवाह वैसे सफल होगा, दाम्पत्य जीवन सफल। धन्यवाद जी, आपसे बहुत अच्छी सार्थक चर्चा हुई, पुनः आपसे मुलाकात। अरे बिल्कुल, मैं तो तैयार हूँ सर।